ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 25/4/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 18/12/87। कर्मातीत स्थिति की गुहा परिभाषा। आज विदेही बाप दादा अपने विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा विदेही बनने के बाद कर्मातीत बनने के श्रेष्ठ लक्ष्य को ले संपूर्ण स्टेज के समीप आ रही है। तो आज बाप दादा बच्चों की कर्मातीत विदेही स्थिति की समीपता को देख रहे थे कि कौन कौन कितने समीप पहुंचे हैं। फॉलो ब्रह्मा बाप कहां तक किया वह अभी कर रहे हैं। क्वेश्चन, लक्ष्य सभी का बाप के समीप और समान बनने का ही है, लेकिन प्रैक्टिकल में नंबर बार बन जाते हैं। यूं तो सभी का एक ही लक्ष्य है, बाप समान बनना, और प्रैक्टिकल में बाबा कहते हैं कि लक्ष्य तो समीप जाने का है और समान बनने का है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, नंबर बार बन जाते हैं पुरुषार्थ अनुसार, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं। इस देह में रहते विदेही अर्थात कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल मिसाल साकार में ब्रह्मा बाप को देखा, तो कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है? जब तक यह देह है, कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पाट बजा रहे हो। जब तक इस देह में ये प्राण रूपी आत्मा है, तभी तक हम इस संसार में इस जीव के द्वारा अर्थात इस तन के द्वारा हम जीव आत्माएं हैं ना, क्योंकि हमने ये तन को धारण किया, तभी तक हम पाठ बजा रहे हैं जब तक आत्मा है कर्मेंद्रियों के साथ। तो कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर हम आत्माएं पाठ बजा रहे हैं, तब तक कर्म के बिना बाबा कहते सेकंड भी रहने नहीं सकते। अगर आपने ये तन लिया है तो बाबा कहते एक सेकंड भी बिना कर्म करे रह ही नहीं सकते। आप भल बीमार भी रहते, खाट भी पकड़ करके, कितनी भी आपकी ऐसी स्टेज पे आप हैं, इतना क्रिटिकल सिचुएशन में भी यदि आप हैं और प्राण हैं जब तक तन में, तो आपका मन तो कर्म करता रहता है ना, भला आप हाथों से कर्म ना करें, लेकिन आपका जो मन सोचता है, जो विचार करता है, जो सूक्ष्म आपके में संकल्प चलते हैं, वह भी सूक्ष्म रूप से एक तरह से आपका कर्म है, है? तो जब तक तन है, आत्मा है, तब तक करते है रहते हैं। बाबा कहते हैं एक सेकंड भी रह नहीं सकते हो कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। एक है बंधन और दूसरा है संबंध। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज है, कर्म के बंधन में बंधना वह अलग चीज है। कर्म बंधन कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता है। जो कर्म के हद के बंधन कहते हैं ना, वह क्या करता है? फल के वशीभूत बना देता है। वशीभूत शब्द ही सिद्ध करता है जो किसी के भी वश में आ जाता। वश में आने वाले भूत के समान भटकने वाले बन जाते हैं। जैसे अशुद्ध आत्मा भूत बन जब प्रवेश होती है, तो मनुष्य आत्मा की क्या हालत होती है, जिसे हम प्रेत आत्मा कहते हैं। चलते फिरते किसी भी तन में जब वो प्रेत आत्मा, जिसे भूत कहते हैं, जब उसको आ जाती है तन में, तो फिर उसकी हालत क्या हो जाती है, देखा ना? बाबा कहते हैं इस तरह से वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत हैं, तो परवश हो भटकते रहते हैं। जब कोई ऐसी अनप्योर आत्मा, ऐसे प्रेत आत्मा किसी के तन को धारण करती है, तो परवश हो जाते हैं ना, हम किसी और के कंट्रोल में आ जाते हैं, वो प्रेत आत्मा के कंट्रोल में चलना शुरू कर देते हैं, तो फिर वह परवश हो जाते हैं।
परवश होकर भटकते रहते हैं। तो बाबा यही बात समझा रहे हैं कि ऐसे कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत हैं। तो कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है। जो हम यदि हम अपने कर्म जो हमें कर्म मिला है और वो कर्म को हम यदि बंधन समझ करके उसे निभाते हैं तो फिर वो क्या होता है। बाबा कहते हैं कि इस तरह से हम परेशान हो जाते हैं अगर बंधन बुद्धि में बंध जाते हैं ना, हम खुद को बांध लेते हैं बुद्धि को, हमें ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ये करना, हम खुशी से नहीं करते हैं, बंधन को समझ करके उसमें कि करते हैं। जबकि हमें क्या समझ के वो कर्म को करना चाहिए कि हम आत्मा इस संसार में इस जीव आत्मा को ऐसा समझना है कि हम यहाँ आए हैं कर्म के वशीभूत कर्म करने के लिए, तो हमें कर्म जरूर ही करना पड़ेगा क्योंकि हमने पाठ बजाने के लिए ही आए हैं। तो मैं आत्मा इस ड्रामा के हिस्से की पाठधारी बन करके अपना पाठ बजा रही हूं। मैं नहीं, मैं आत्मा यह पाठ निभा रही हूं। जब आप खुद को आत्मा समझेंगे तो कर्म आपको बंधन नहीं लगेगा। जो हमने किया है वही हमारे साथ संबंध रिश्ते नाते या जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं वह सब हमारा ही हिसाब है। तो उसे आपको इस उसके साथ में नहीं करना है, बंधन मुक्त होकर के करना है। जो मिला है जो ड्रामा दिया है, फिर भले ही आपको कोई भी ड्रामा मिले तो आपको वो ड्रामा एक्यूरेट लगेगा। जो आपको मिला है वही तो आप कर रहे हैं ना, किसी दूसरे का तो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है ना, इसको कहा जाता है कर्म बंधन, जो स्वयं को भी परेशान करता है और दूसरों को भी परेशान करता है। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन अथॉरिटी बन कर्म इंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारा हो कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराए। अब विनाशी क्या है? शरीर भी तो विनाशी है, ये स्थूल धन जिसके पीछे हम भागते हैं वह सब भी तो विनाशी है। जब तक आप हैं तभी तक उसका मालिक है, जैसे ही आप नहीं हैं तब तक वो धन माया कपड़े जो भी हमने शान शौकत स्थूल सुख सुविधाओं की चाहत रहती है वह सब बेसहारा लावारिस हो जाता है, उसका फिर कोई धनी नहीं होता है ना। तो कोई फिर चैरिटी में चला जाता है जिसका कोई नहीं होता, फिर वो ऐसे ही पड़ा रहता है क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता उसका धनी तो होता नहीं है, है? तो इसीलिए इसे कहते हैं विनाशी कामना ना। तो बाबा कहते हैं विनाशी कामना से न्यारा हो कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन ना करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। कर्मेंद्रियां अपने आकर्षण में आकर्षित करती हैं, अर्थात कर्म के वशीभूत बनते हैं, अधीन होते हैं, बंधन में बंधते हैं। कर्मातीत अर्थात इससे अतीत अर्थात न्यारा। आंख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन है? आंख देखती है या आत्मा के द्वारा आंख देखती है? तो आपको किसको कंट्रोल में रखना है, क्या देखना है, किस तरह से देखना है? तो बाबा कहते हैं आंख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन है? आंख कर्म करने वाली है और आत्मा कर्म कराने वाली है। आत्मा आंख के द्वारा कर्म कराने वाली है, कानों के द्वारा सुनने वाली कौन है? आत्मा। मुख के द्वारा बोलने वाली कौन है? आत्मा। मुख थोड़े ना बोलता है, ये पैर थोड़े ना चलते हैं, आत्मा के द्वारा कदम बढ़ते हैं, आत्मा है कंट्रोल करने वाली। तो बाबा कहते हैं इस तरह से तो कराने वाली आत्मा करने वाली कर्मेंद्रियों के वश हो जाए, इसको कहते हैं कर्म बंधन। कराने वाले बन कर्म कराओ, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना।
कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है लेकिन बंधन में नहीं रहती। कर्मातीत अवस्था जब होती है, कर्मातीत आत्मा जो होती है वह कर्म तो करती है लेकिन बंधन में नहीं रहती, बंधन मुक्त रहती है। तो बंधन में नहीं रहती। कभी कभी कहते हो ना कि बोलने नहीं चाहते लेकिन बोल दिया, करने नहीं चाहते थे लेकिन कर दिया। इसको कहा जाता है कर्म के बंधन में वशीभूत आत्मा। ऐसी आत्मा कर्मातीत स्थिति के नजदीक कहेंगे या दूर कहेंगे? हो गया, कहना नहीं चाहते थे लेकिन निकल गया। बाबा कहते हैं कर्मातीत अर्थात देह, देह के संबंध पदार्थ लौकिक चाहे अलौकिक दोनों संबंध से, बंधन से, अतीत अर्थात न्यारे अलौकिक अवस्था अलौकिक स्थिति। भल संबंध शब्द कहने में आता है, देह का संबंध, देह के संबंधियों का संबंध। लेकिन देह में व संबंध में अगर अधीन है तो संबंध भी बंधन बन जाता है। और संबंध शब्द न्यारा और प्यारा अनुभव कराने वाला है। आज की सर्वात्माओं का संबंध बंधन के रूप में बदल गया है। जहां संबंध बंधन का रूप बन जाता है तो बंधन सदा स्वयं को किसी ना किसी प्रकार से परेशान करता रहेगा, दुख की लहर अनुभव कराएगा, उदासी का अनुभव कराएगा। विनाशी प्राप्तियां होते भी अल्पकाल के लिए वह प्राप्तियों का सुख अनुभव करेगा, सुख के साथ साथ अभी अभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होगा। अभी अभी प्राप्तियां होते भी अप्राप्त स्थिति का अनुभव होगा, भरपूर होते भी अपने को खाली खाली अनुभव करेगा। सब कुछ होते हुए भी कुछ और चाहिए ऐसे अनुभव करता रहेगा। और जहां चाहिए चाहिए है वहां कभी भी संतुष्टता नहीं रहेगी। मन भी राजी, तन भी राजी रहे, दूसरे भी राजी रहे, यह सदा हो नहीं सकता, असंभव। कोई ना कोई बात पर स्वयं से नाराज या दूसरों से नाराज ना चाहते भी होता रहेगा, क्योंकि नाराज अर्थात नाराज जिसमें हमारी रजा नहीं है। तो जो इस तरह से बाबा हमें समझाते हैं कि जो खुद से भी और कभी दूसरों से भी नाराज अर्थात नाराज अर्थात राज को नहीं समझा तभी तो नाराज हुए ना। राज को ना जानने वालों को ही तो नाराज कहते हैं, है ना। तो अधिकारी बन बाबा कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि राज को नहीं समझा, अधिकारी बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने का राज नहीं समझा तो नाराज ही होगा ना। कर्मातीत कभी नाराज नहीं होगा क्योंकि वह कर्म संबंध और कर्म बंधन के राज्य को जानता है। कर्म करो लेकिन वशीभूत होकर नहीं, अधिकारी मालिक होकर करो। कर्मातीत अर्थात अपने पिछड़े कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त। कई कई कहते कि अभी तो हमने कम से कम इस जन्म में तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, नहीं किया, और ना ही हमने किसी को ऐसा कहा कि हमें ऐसे दुख झेलने पड़े। तो परमात्मा कहते हैं भल इस जन्म में नहीं किया लेकिन आपने कितने तन छोड़े होंगे और आत्मा में कितने विकर्म भरे होंगे, कितने आपने जाने अनजाने मनसा वाचा कर्मणा जो दुख दिए होंगे। तो ये कोई इस जन्म का आपको दुख दर्द नहीं है, कोई आपको इस एक जन्म का आपके साथ में कुछ चल नहीं रहा है। कोई कोई जो डिप्रेशन में जाते हैं या कुछ इस तरह से उनके अंतर मन में परेशानी चलती है, उलझनों से उलझे रहते हैं या कुछ भी इस तरह से परेशान बीमार रहते हैं, आए दिन बीमारी खत्म नहीं होती, थोड़े दिन ठीक रहते हैं वापस बिगड़ जाती है। तो हम समझते हैं कि हमने तो खूब धर्म कर्म पुण्य किए हैं, सबको खूब दान दिया है, भक्ति भी खूब पूजा पाठ भी किया, सब कुछ किया, फिर भी क्यों? तो देखिए यहां समझना है कि हमारे कोई इस जन्म के नहीं, हमारे साथ हमारे किसी
जो चलते हैं साथ में वो 500-500 वर्ष के भी चलते हैं। 500-500 वर्ष पहले की भी किसी आत्मा को यदि आपने कष्ट दिया होगा तो वो आत्मा के आपके साथ साथ वो चीजें चलती हैं, और वही आत्माओं की आपके साथ में चलती है। क्या चलती है? उनकी बुद्धुआ आपके साथ चलती है, क्योंकि आपने उनको कष्ट दिया होगा कभी, जो आपको नहीं पता है लेकिन आपने दिया है। आपकी आत्मा के द्वारा उसे वो कष्ट पहुंचा है, इसीलिए आपको वो मिलता है। इसीलिए बाबा ने कई बार कहा भी है, यदि आप उन आत्माओं को विमर्श करेंगे, अब उन आत्माओं को तो आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन यदि आप उन आत्माओं से माफी मांग लेंगे, और यदि आपके द्वारा कुछ किया हुआ है, आप उनको विमर्श कर माफी मांगते हैं, तो वो आपको माफी कर देती हैं, और सहयोग के भी आप उनको जो है शुक्रिया करें, तो सहयोग का शुक्रिया और जो आपने किया उसके साथ उसकी माफी, तो वो भी आत्मा हल्का महसूस करेगी, और आप भी धीरे धीरे एकदम से वो वाली बातों से, उस कष्ट से आप उसे मुक्त करते हैं, खुद को मुक्त करते हैं। तो ऐसे फिर आप उन बातों से परे हो करके अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। बाबा कहते हैं इस तरह से कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त। तो बाबा कहते हैं यह सब बातें जो बाबा हमें समझाते हैं उनको हमें धारण भी करनी है। यूं नहीं है कि बस पढ़ के मुरली को रख दिया और हमने ना मनन चिंतन किया और ना ही धारणा की। बाबा कहते हैं चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फल स्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हों, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश ना होकर मालिक बन चुकतू कराएंगे। कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करना, यह है कर्मातीत बनने की निशानी। योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से काटा कर भस्म करना, अर्थात कर्म योग को समाप्त करना है। व्याधि का रूप ना बने, जो व्याधि का रूप बन जाता है वह स्वयं सदा व्याधि का ही वर्णन करता रहेगा। मन में भी वर्णन करेगा तो मुख से भी वर्णन करेगा। जो आपके मन में चलता है वही आपके वाचाल शक्ति में आता है, और वही फिर धीरे धीरे कर्म में भी आना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहते हैं न मनसा वाचा कर्मणा। तो इस तरह से बाबा कहते जो व्याधि का रूप बन जाता है वह सदा स्वयं सदा व्याधि का ही वर्णन करता रहेगा, मन में भी और मुख से भी। दूसरी बात, व्याधि का रूप होने कारण स्वयं भी परेशान होगा और दूसरों को भी परेशान करेगा। वह चिल्लाएगा और कर्मातीत चला लेगा। कोई को थोड़ा सा दर्द होता है तो भी चिल्लाते बहुत हैं, देखा? तो बाबा कहते हैं बहुत चिल्लाते हैं, और कोई को ज्यादा दर्द होते भी चलाते हैं। फिर हम कहते हैं उन्हें सहने की बहुत शक्ति है, कैसे सहन कर लेते हैं, क्योंकि उनके मन में यह चलता है जो हमारे कर्म थे तो हमें मिल रहा है, इसे चिल्ला करके तो खत्म नहीं हो जाएगा, जो हमने किया सो पा रहे हैं। कई कई बार आपके पास में अटूट धन होगा, स्थूल धन से आप भरे होंगे लेकिन अंदर से खाली रहेंगे, वह भी एक तरह से आपके कर्मों के हिसाब किताब ही है। हमारे पास इतना सारा धन रहते हुए भी हम वो धन को खर्च नहीं कर पाते, और खर्च कर भी देते हैं तो हमें वो प्राप्ति नहीं होती जो आपको चाहिए या आपको जो मिलनी चाहिए या जिसकी आप लालसा करते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि कर्म श्रेष्ठ, कर्म बलवान है ना। इस धन माया स्थूल चीजों से भी कर्म श्रेष्ठ है। जितना आपने कर्म किया है उतना ही आपको मिलेगा। कई बार हम हताश हो जाते हैं, खूब धन माया होगा लेकिन आपके घर में कोई पेशेंट होगा, आपको लाखों लगा देंगे लेकिन आप वो पेशेंट को पैसे के बल पे ठीक नहीं करेंगे, कर पाते हैं कितना भी आप कर लो, आपके कर्म के हिसाब से ठीक होगा वो। जो आपने श्रेष्ठ कर्म किए उसका फल मिलेगा, धन का फल नहीं मिलता। इस तरह से बाबा कहते हैं कि
कोई कोई जो है वो सहन करता है, चला लेते हैं। कर्मातीत स्थिति वाला देह के मालिक होने के कारण कर्म भोग होते हुए भी न्यारा बनने का अभ्यासी है। बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर देता है। कई बार शरीर को कष्ट होता है, आत्मा कष्ट को सहन करती है, लेकिन हम कहते हैं कि ये तो हमारा तन है, ये तो विनाशी तन है, ये आत्मा है। तो हम तो एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। अब ये शरीर को कुछ हो रहा तो कहते हैं ना कि बाबा मैं तो आत्मा हूं, अब इस तन को अगर कष्ट हो भी रहा है तो मैं तो तन को तो छोड़ना ही है। तो मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। यदि आप इस संकल्प में भी टिकते हैं, अशरीरी अवस्था को फील करते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर जैसे बीमारी से परे कर देता है ना वो, तो जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते हैं ना, बेहोश करके ही तो कोई सर्जरी आदि करते हैं साइंस के द्वारा, जो तो बाबा कहते हैं बेहोश कर देते हैं तो दर्द होते हुए भी भूल जाता है। भला आप उसे देख तो पाते हैं, आप उस बेहोशी की हालत में देख पाते, लेकिन उसको फील तो नहीं कर पाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से भूल जाते हैं, दर्द फील नहीं करते हैं, क्योंकि दवाई का नशा होता है। तो कर्मातीत अवस्था वाले अशरीर भी बनने के अभ्यासी होने कारण बीच बीच में यह रूहानी इंजेक्शन लग जाता है। इस कारण सूली से काटा अनुभव होता है। और बात फॉलो फादर होने कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। दुआ दबा है, दुआएं लो, दुआएं दो। बाबा कहते हैं एक अपना शरीरी बनने का अभ्यास, दूसरा आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप की दुआएं, हां जी का पाठ। तो यह बीमारी अर्थात कर्म भोग को सूली से कांटा बना देती है। कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में परिवर्तन कर देगी। तो ऐसा अनुभव है, वह बड़ी बहुत बड़ी बात समझते हो, सहज है वह मुश्किल है। छोटी को बड़ी बात बनाना या बड़ी को छोटी बात बनाना, यह अपनी स्थिति के ऊपर है। परेशान होना व अपने अधिकारीपन की शान में रहना अपने ऊपर है। क्या हो गया वह जो हुआ वह अच्छा हुआ, यह अपने ऊपर है। यह निश्चय बुरे को भी अच्छे में बदल सकता है, क्योंकि हिसाब किताब चुकते होने के कारण वह समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर ड्रामा अनुसार होने के कारण कोई बातें अच्छे रूप में सामने आएंगी, और कई बार अच्छा रूप होते हुए भी बाहर का रूप नुकसान वाला होगा। वह जिसको आप कहते हो यह इस रूप से अच्छा नहीं हुआ, बातें आएंगी। अभी तक भी ऐसे रूप की बातें आती रही हैं और आती भी रहेंगी, लेकिन नुकसान के पर्दे के अंदर फायदा छुपा हुआ है। बाबा कहते हैं इस तरह से जो फायदा छुपा हुआ होता है नुकसान के पर्दे के पीछे, बाहर का पर्दा नुकसान का दिखाई देता है। अगर थोड़ा सा धैर्य समय धैर्यवत अवस्था सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी हो देखो, तो बाहर के पर्दे के अंदर जो छुपा हुआ है आपको वही दिखाई देगा। ऊपर का देखते भी नहीं देखेंगे। होली हंस हो ना, जब वह हंस कंकड़ और रत्न को अलग कर सकता है, तो होली हंस अपने छिपे हुए फायदे को ले लेगा, नुकसान के बीच फायदे को ढूंढ लेगा। समझा? जल्दी घबरा जाते हैं ना, इससे क्या होता है? समस्या को समस्या समझना ही समस्या का विकराल रूप है, और समस्या को समस्या ना समझ करके समस्या का समाधान करना ही समस्या का समाधान है। यह बात याद रखनी है। परमात्मा ईश्वर है, भगवान है। भगवान इस संसार की रचता करने वाला रचनाकार है, तो रचता से कभी भी रचनाओं को क्या क्यों कैसे कहाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि रचता ही जानता है। एक डॉक्टर ही जानेगा कि आपके हार्ट को कहाँ कैसे कब और कितने टाइम में उसे फिक्स करना है, या कहाँ किस शरीर के अंग को वापस जोड़ना है। यदि
वो हमारे सर्जरी के समय कोई चीर फाड़ काट फाड़ आदि करता है तो वह उसको ही पता है। आप जानते हैं कि ये इतना इतना ऐसा ऐसा काटना पीटना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि उसके पीछे कारण क्यों है, क्यों ये काटा फाड़ी या सर्जरी हो रही है, तो यह तो आप जानते हैं ना। तो वो नॉलेज तो उसके पास ही होगी, आप तो उसे नहीं कह सकते कि क्यों कर रहे हैं। आपको अच्छा तो होना है ना। तो यही बात यहाँ ड्रामा के सीन्स में भी है, क्योंकि करण करावनहार करा रहा है, वो जानता है आपकी हिस्ट्री और आपकी जो फ्यूचर। हाँ, हम नहीं जानते हैं हमारे कर्मों की गति को और कैसे नया पुराना, हम नहीं जानते। हमें तो जो बताया वह नॉलेज बुद्धि में रख लिया, लेकिन रचता के अलावा ये रचनाएं कुछ भी नहीं जानती। इसीलिए क्या क्यों कैसे में नहीं जाना। बाबा कहते हैं जो इस तरह से नुकसान के बीच का फायदे को ढूंढ लेगा, समझा। तो बाबा हमें यही बात समझाते बार बार कि जो अच्छा सोचा जाता वह भी घबराने के कारण बदल जाता है। तो घबराओ नहीं, कर्म को देख कर्म के बंधन में नहीं फंसो। कर्म कैसा है, कौन सा कर्म आप कर रहे हैं, उस कर्म के बंधन को में रह करके नहीं फंसो। बाबा कहते हैं क्या हो गया, कैसे हो गया, यह तो होना नहीं चाहिए था, मेरे से ही क्यों होता, मेरा ही भाग्य शायद ऐसा है। यह रस्सियां बांधते जाते हो, यह संकल्प की रस्सियां हैं, इसलिए कर्म के बंधन में आ जाते हो। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां हैं। कर्मातीत आत्मा कहेगी जो होता है वह अच्छा होता है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। यह बंधन को काटने की ऊंची का काम कैंची का काम करती है, बंधन को काटने की कैंची का काम करती है। क्या कर्मातीत आत्मा यह कहेगी, आपके व्यर्थ से मुक्त आप रहेंगे तो कर्म में बंधन नहीं है आपको। तो बाबा कहते हैं बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए ना, कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। हर सेकंड का आपका धंधा ही कल्याण करना है, सेवा ही। और पापा कहते हैं कि हाँ, जो बंधन को काटने की कैंची का काम करती है तो कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। हर सेकंड का आपका धंधा ही कल्याण करना है, सेवा ही कल्याण करना है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चित कल्याणकारी है, समझा। अभी तो कर्मातीत की परिभाषा बहुत है, जैसे कर्मों की गति गहन है, कर्मातीत स्थिति की परिभाषा भी बड़ी महान है। और कर्मातीत बनना जरूरी है, बिना कर्मातीत बनने के साथ नहीं चलेंगे। साथ कौन जाएंगे, जो समान होंगे। बाराती कौन साथ साथ चलते हैं, जो समान होते हैं। बाकी तो सब पीछे ही जाते हैं ना, तो साथ साथ वही जाएंगे जो समान होंगे। हम दोस्ती किसके साथ में करते हैं, जो हमारे साथ चलने जैसे हो, उन्हीं के साथ उठते बैठते हैं ना। तो इस तरह से जो समान होंगे, ब्रह्मा बाप को देखा, कर्मातीत स्थिति को कैसे प्राप्त किया, कर्मातीत बनने का फॉलो करना, अर्थात साथ चलने योग बनना। आज इतना ही सुनाते हैं, इतनी चेकिंग करना, फिर और सुनाएंगे। अच्छा, सर्वाधिकारी स्थिति में स्थित रहने वाले, कर्म बंधन को कर्म के संबंध में बदलने वाले, कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में सूली से कांटा बनाने वाले, हर सेकंड कल्याण करने वाले, सदा ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप अनुभव करने वाले, ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात, पहला सदा अपने को समर्थ बाप के समर्थ बच्चे अनुभव करते हो, कभी समर्थ कभी कमजोर ऐसे तो नहीं, समर्थ अर्थात सदा विजयी।
समर्थ की कभी हार नहीं हो सकती, स्वप्न में भी हार नहीं हो सकती। स्वप्न, संकल्प और कर्म सब में सदा विजयी, इसको कहते हैं समर्थ। ऐसे समर्थ हो क्योंकि जो आपके विजयी हैं बहुत काल से वही विजय माला में गायन पूजन योग बनते हैं। अगर बहुत काल के विजयी नहीं, समर्थ नहीं, तो बहुत काल के गायन पूजन योग नहीं बनेंगे। पूज्य से पुजारी तो जानते हैं, जो ब्राह्मण सो फरिश्ता फिर वही देवता। हाँ, तो ब्राह्मण आत्माएं माना कर्मातीत हो जाना, कर जो हमारी आत्मा को विकार टच भी ना कर पाए, विकारों से मुक्त चैतन्य अवस्था, चैतन्य आत्मा। चैतन्य है ना यहाँ तो सब, ये जड़जड़ी भूत शरीर को याद ना कर चैतन्य आत्मा शक्ति खुद को देखना। इस तरह से बहुत काल के विजयी हैं वही बहुत समय विजय माला में गायन पूजन में आते हैं। और जो कभी कभी के विजयी हैं वह कभी कभी के अर्थात 16,000 की माला में आएंगे। तो बहुत काल का हिसाब है और सदा का हिसाब है। 16,000 की माला सभी मंदिरों में नहीं होती, कहाँ कहाँ होती है। दूसरा, सभी अपने को इस विशाल ड्रामा के अंदर हीरो पाटधारी आत्माएं अनुभव करते हो, क्योंकि जो ऊंचे ते ऊंचा बाप जीरो है, ऊंचे ते ऊंचा बाप जीरो है, उसके साथ पाठ बजाने वाले हो। हाँ, जीरो के बगल में जितने जीरो लगाते जाओ तो उसका बढ़ता जाएगा। हाँ, आगे एक बाप जीरो 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 जीरो, तो उसकी जो है बढ़ती जाएगी ना। तो बाप बाप तो ऊंचा जीरो है, उसके साथ पाठ बजाने वाले हो आप भी जीरो अर्थात बिंदी हो, लेकिन आप शरीरधारी बनते हो और बाप सदा जीरो है। उस जीरो में, उस बिंदु में सिंधु समाया है। बाबा कहते हैं आप भी जीरो अर्थात बिंदी हो, लेकिन आप शरीरधारी बनते हो और बाप सदा जीरो हैं। तो जीरो के साथ पाठ बजाने वाले हीरो एक्टर हैं। यह स्मृति रहे तो सदा ही यथार्थ पाठ बजाएंगे, स्वतः ही अटेंशन जाएगा। जैसे हद के ड्रामा के अंदर हीरो पाटधारी को कितना टेंशन रहता है। हाँ, घड़ी घड़ी उनके पास आके मेकअप करेंगे उनका, फिर ये करेंगे, फिर उनको जूस देंगे घड़ी घड़ी। कितना हीरो भी होते हैं, साइड हीरो भी होते हैं, और जो कभी कभी बीच बीच में आते हैं वो हीरो भी होते हैं, और फिर उसी में विलन भी होते हैं। उसमें कितने पार्ट होते हैं ना सिनेमा में। तो इस तरह से जो मेन हीरो होता है ड्रामा का, उसको कितना टेंशन रहता है। सबसे बड़े ते बड़ा हीरो पार्ट आप सबका है, सदा इस नशे और खुशी में रहो। वाह मेरा बाबा, वाह वाह मेरा पार्ट, हीरो पार्ट, जो सारे विश्व की आत्माएं बार बार हेयर हेयर करती है ना, हेयर हेयर करती है ना। तो यह द्वापर से जो कीर्तन करते हैं, यह आपके इस समय के हीरो पार्ट की ही यादगार है। कितना अच्छा यादगार बना हुआ है, आप स्वयं हीरो बने हो, तब आपके पीछे अब तक भी आपका गायन चलता रहता है। अंतिम जन्म में भी अपना गायन सुन रहे हैं, गोपी बल्लभ का भी गायन है, तो ग्वाल बाल का भी गायन है, गोपिकाओं का भी गायन है, बाप का शिव के रूप में गायन है, तो बच्चों का शिव शक्तियां, परमात्मा के बच्चे हम शिव की शक्तियां हैं। हम अकेली नहीं हैं, मैं कहीं भी बाहर जाती हूं तो मैं अकेली नहीं, मैं दो हूं, मैं शिव और शक्ति हूं, अकेली नहीं हूं, है ना। तो शिव के रूप में गायन है और बाप का शिव के रूप में गायन, तो बच्चों का भी शक्तियों के रूप में गायन है। तो सदा हीरो पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसी स्मृति में खुशी में आगे बढ़ते चलो। आज कुमारों से पहला सहज योगी कुमार होना, निरंतर योगी कुमार, कर्म योगी कुमार, क्योंकि कुमार जितना अपने को आगे बढ़ाने चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। क्यों? निर्बंधन है, बोझ नहीं है और जिम्मेवारी नहीं है, इसलिए हल्के हैं,
परिवार में रहने वालों को तो कितने बच्चों को देखना, मात पिता को देखना, शरीर और निर्वाह के लिए नौकरी करना, व्यवसाय करना, यहाँ वहां जाना, कितने संबंधों में बंध के बंधनों से रिश्ते निभाना, साथ देना, तो कितना। तो कुमारों के पास में तो ना बंधन है और ना ही कोई, वो तो निर्बंधन है, बोझ मुक्त है तो, और जिम्मेवारी भी नहीं, इसलिए हल्के हैं। हल्के होने के कारण जितना ऊंचा जाना चाहे जा सकते हैं। निरंतर योगी सहज योगी, यह है ऊंची स्थिति। निरंतर योगी सहज योगी कर्म योगी तो उन्हें कहेंगे जो कर्म के बंधन में रहते हैं। यहाँ तो निर्बंधन है, तो यह है ऊंची स्थिति, यह है ऊंचा जाना, ऐसे उच्च स्थिति वाले को कहते हैं विजयी कुमार। हाँ, विजयी हो या कभी हार कभी जीत, यह खेल तो नहीं खेलते हो। अगर कभी हार जीत के संस्कार होंगे तो एक स्थिति का अनुभव नहीं होगा, एक की लगन में मगन रहने का अनुभव नहीं करेंगे। दूसरा है सदा हर कर्म में कमाल करने वाले कुमार हो ना, कोई भी कर्म साधारण नहीं हो, कमाल का हो। जैसे बाप की महिमा करते हो, बाप की कमाल गाते हो, ऐसे कुमार अर्थात हर कर्म में कमाल दिखाने वाले। कभी कैसे वाले नहीं, ऐसे नहीं जहां कोई खींचे वहां खींच जा, लुढ़कने वाले लोटे नहीं। बिन पेंदी कोई लोटे होते ना, तो जहां भी रखो तो वो लुढ़क लुढ़क जाते हैं, तो इस तरह के नहीं, कभी कहां लुढ़क जाओ कभी कहां लुढ़क जाओ, ऐसे नहीं, कमाल करने वाले बनो। अविनाशी अविनाशी बनाने वाले बनो, ऐसे चैलेंज करने वाले बनो, ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर एक कुमार चलता फिरता फरिश्ता हो, दूर से ही फरिश्तेपन की झलक अनुभव हो। वाणी से सेवा के प्रोग्राम तो बहुत बना लिए, वह तो करेंगे ही, लेकिन आजकल प्रत्यक्ष प्रूफ चाहते हैं, प्रत्यक्ष फल देखना चाहते हैं ना लोग, तो प्रत्यक्ष प्रूफ चाहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण इतने हो जाए जो सहज सेवा हो जाएगी। फरिश्तेपन की सेवा करो तो मेहनत कम सफलता ज्यादा होगी। सिर्फ वाणी से सेवा नहीं करो, लेकिन मन वाणी और कर्म तीनों के साथ साथ सेवा करो, मनसा सेवा। इसको कहते हैं कमाल। अच्छा, विदाई के समय चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी सदा सेवाधारी सदा डबल लाइट बन, औरों को भी डबल लाइट बनाने वाले, सफलता को अधिकार से प्राप्त करने वाले, सदा बाप समान आगे बढ़ने वाले और औरों को भी आगे बढ़ाने वाले, ऐसे सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं के स्नेही बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत सिक्कवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। आज का वरदान बाबा ने दिया, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। अटेंशन नो टेंशन, अटेंशन देना है। हाँ, तो बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं, इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है, टू लेट ऑलरेडी हो गए हैं। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करके पद्मपति बनो। हाँ, देवताओं के पैरों में पद्मपति दिखाते हैं ना, तो ऐसे बनना है। जैसे नाम है पद्मा पद्म भाग्यशाली, ऐसे कर्म भी हो, एक कदम भी पद्म की कमाई के बिगड़ ना जाए, तो बहुत सोच समझ कर श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाओ। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करो और ना ही परमत मिक्स करो। आज का स्लोगन है मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मना भव की स्थिति स्वतः रहेगी। मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मना भव की स्थिति स्वतः रहेगी। और मन मना भव माना मन से मुझे एक को याद करो, कर्म में रहते हर वक्त कर्म योगी सहज योगी श्रेष्ठ योगी बनो, निरंतर योगी बनो, कभी कभी के याद में नहीं रुको। हाँ, ये बात बाबा कहते हैं, और मन मना भाव का पाठ बाबा पढ़ाएंगे, हम बच्चे नहीं कहेंगे ना। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को खूब खूब आभार, खूब याद प्यार। ओम शांति।